इस वीडियो को बनाने के बाद क्या पता मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी आ सकता है या फिर डिलीट भी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करें। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंजो के काले चिट्ठे के बारे में। विंजो क्या हमारे साथ स्कैम कर रहा है? तो गाइज, आज हम तीन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या विंजो में हैकर आते हैं? सेकेंड क्वेश्चन होगा, क्या हम हैक लगा के खेल सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन होगा, क्या हम हैक लगाए तो भाई कितना किल कर सकते हैं, एक किल या फिर पूरे बंदों को मार दे तो हमें पूरा पैसा मिल जाएगा? तो गाइस, इन्हीं हम टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आप लोग भाई पूरा वीडियो देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या विंजो में हैकर आते हैं? तो एक सब ने बता दूं, विंजो में हैकर आते हैं। मैं डेली विंजो पे कस्टम खेलता हूं और गाइस एक नहीं हैकर 20-25 हैकर आते हैं, वो भी भर भर के हैकर आते हैं। तो एक क्लियर हो गया कि हैकर आते हैं, तो हैकर से बचे कैसे यार? हैकर चारों तरफ मार देता है, हैकर आर पार मार देता है। तो एक ट्रिक है ना, हैकर कहाँ जाएगा आप लोग सोचो। मान लो एक पीक हो गया और मेल हो गया, बंदा जहाँ पे उतरेगा ज्यादातर वही ना हैकर जाएगा। जैसे कि हैकर को पता है मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तो इसलिए ना हैकर जहाँ पे जाएगा वहाँ पे सारे बंदे होंगे। तो आप लोग को क्या करना है, एक ऐसा जगह चूज करना है जहाँ पे बंदे ना है। तो गाइस बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्या हम हैक लगा के खेल सकते हैं विंजो पर? तो एक सब ने बोलू हाँ, मेरे दोस्त बहुत सारे हैक लगा के खेलते हैं और डेली के 1 से 2 हज़ार रुपये इजिली अर्न करते हैं। तो क्या हम भी हैक लगा के खेले? अरे हाँ भाई हाँ, खेलो भाई। कितना किल करना है और थर्ड क्वेश्चन में बताऊंगा, नहीं तो भाई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है? तो भाई थर्ड क्वेश्चन ये था कि हम कितना किल करें कि हमें पैसा मिल जाए, हैकर हमें विंजो घोषित ना करे। भाई मैं एक शब्द कहूंगा, 5 किल से ज्यादा मत करना। 5 किल से ज्यादा करोगे तो विंजो बोल देता है कि भाई तुमने हैक यूज किया था और मैंने पैसा नहीं दूंगा। गाइस विंजो खिलाड़ी अड्डा जैसा नहीं है कि भाई जितना किल करोगे उतना पैसा तुम्हें दे देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? और गाइस यहाँ पे मतलब आप लोग अपने रियल आईडी में हैक मत लगाना, ठीक है? आईडी बैन हो जाता है, समझ रहे हो? वो एमुलेटर नहीं है, पीसी नहीं है। मेरे पास पीसी है तो भाई पीसी को अलाउ ही नहीं करता भाई। विंजो तो करता है बट खिलाड़ी अड्डा नहीं करता है, खेलने के लिए मतलब कस्टम में अपने ज्वाइन होने नहीं देता, क्योंकि खिलाड़ी अड्डा रियल है और विंजो थोड़ा सा फेक है, ठीक है? तो विंजो में तो भाई एमुलेटर से जा सकते हैं, पीसी से खेल सकते हैं, बट खिलाड़ी अड्डा में नहीं। तो आप लोग रियल आईडी से मत लगाना, ठीक है? आप लोग डुप्लीकेट जैसे कोई गेस्ट आईडी ऑन करना, उसको ऑन कर लेना और 5 किल करके भाई एलिमिनेट हो जाना, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। और इसी को फॉलो करके भाई डेली मेरे फ्रेंड्स 1000 रुपया अर्न करते हैं। तो गाइस आप लोग को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में बताना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।